क्वेश्चन नंबर 9 में एक स्नेल की एवरेज स्पीड है 0.02 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चल रहा है और एक लियोपार्ड है वो 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। इनको ऐसा यूनिट्स में चलना है। स्पीड दिया हुआ है 0.02 माइल्स एक घंटे में। ऐसा यूनिट को न माइल्स पसंद है न आवर पसंद है। ऐसा यूनिट बोलता है कि इस माइल्स को मीटर में कन्वर्ट कर। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? एक माइल का मतलब होता है 1.61 किलोमीटर और किलोमीटर को मीटर में 1000 से और भाग गुणा कर दिए तो ये बन गया मीटर में। अब घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऐसा यूनिट को घंटा पसंद नहीं है। इसको घंटे को पहले मिनट पे कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करने के लिए एक और सेकंड 60 से गुणा कर दिए, सेकंड में बदल गया मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट इज हैप्पी। 0000 कट गया, 0.02 का 0.01 और 2 3 6 यहाँ पे आ गया, 0.01 का एक पॉइंट जो है और इधर खिसका 10 घटा गया, 0.1 × 1.61 डिवाइडेड बाई 3 और 6 तीन से पहले भाग दे दिए, 3 5 15 1 1 3 3 9 2 0 3 7 21 डिवाइडेड बाई 6 फिर से इसको भाग दिए 6 0 0 6 8 48 48 और 5 53 5 7 6 9 54 इतना मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट इज हैप्पी। दूसरा पार्ट है लियोपार्ड की स्पीड है 70 माइल पर आवर। इसको क्या करना है? ऐसा यूनिट में बदलना है। तो 70 को पहले 1.61 × 1 किलोमीटर बदल गया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मीटर में बदल गया। ऐसा यूनिट का मीटर हैप्पी, लेकिन आवर अभी भी हैप्पी नहीं। आवर को 60 × 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर इसको जा करके गुणा भाग आप करते रहिएगा। मेरा काम खत्म हुआ। उत्तर माला चेक कर लीजिएगा और YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए।